ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रलब्ध, पार्ट 12। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो त्रेता में चले जाते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2004। रावण को जीतने का यह युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए। मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ, हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, सबको पैगाम देना ही है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2004। समीप रतन सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। वे दोनों इमर्ज होंगे, एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा स्वयं अनुभव करेंगे तब आपसे दूसरों को भी अनुभव होगा। अव्यक्त वर्ण की डेट है 29 मई 1970। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो माया के कोई तूफान हिला ना सके। बाप वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है। अपनी मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए अधिकारी बनाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 जून 2009। माया आ जाती है, इस पुराने शब्द और संकल्प को भी पुराने वर्ष के साथ विदाई दो। दुनिया की हालतें बिगड़ना शुरू हो रही है। बाप दादा के महावाक्य है कि अचानक होना है, और अचानक का अभ्यास बहुत समय का नहीं होगा। तो बताओ उस समय क्या होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। अपनी अवस्था को आप ही देखना है, और अपना जमा और नाका पोता मेल आप ही रखना है। तुम्हारी माया से युद्ध है। सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा हो जाता है। झट मालूम पड़ता है कि हमने फायदा किया या घाटा किया। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला यह व्यापार कर। स्मृति से है फायदा और विस्मृति से है घाटा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2009। बाप ने यह भी बताया है कि यह युद्ध का मैदान है। पावन बनने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि जो शुरू में आए हैं वे पूरी पावन बन गए हैं। माया से लड़ाई जोर से चलती है। अच्छों अच्छों को भी माया जीत लेती है। मूर्छित हो जाते हैं, फिर जब मूली पढ़े तब सुजाग हो। साकार मूली की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 2009। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में तो वे भी आएंगे। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ करके उच्च पद पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। माया बहुत धोखा देती है। तुम्हारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होनी चाहिए। अगर कोई इच्छा रखे तो मरा, बर्स नॉट ए पैनी बन जाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2009।
हर समय हर संकल्प हर कर्मवारी जाओ का है। जब ऐसी चेकिंग करते रहो और ऐसी स्थिति रहे तो माया सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्वशक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरों को भी दे सको। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मई 1971। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हरा देती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। माया के साथ बॉक्सिंग है। बच्चों को बहुत सावधान रहना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 नवंबर 2009। पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम पूरा एक्यूरेट है। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। इतना उच्च पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बात है बाप की याद और बाप से वर्षा लेना। सेकंड की बात है, फिर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2009। कोई कोई पढ़ने वाले ऐसी कोशिश करते हैं जो पढ़ाने वाले से भी उच्च चले जाते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे कि यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। जैसे तुम माया को थककाकर उस पर जीत पाते हो, माया भी फिर ऐसे करेगी। यह युद्ध का मैदान है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2009। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है, तो इस बड़ाई करने क्या होगा। लड़ाई बंद हो जाएगी। माया से लड़ लड़ कर थक गए हूँ। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई में थकेंगे नहीं। लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई देगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 मई 1971। अब घर चलना है। यह लहर हर एक अपने जीवन से चाहे भारत चाहे विदेश में अनुभव करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है ना। जाना है सदा याद रहता है। यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का आपस में संगठन में माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 सितंबर 2009। जो पहले पहले बाप से बिछड़े हो वे ही आकर बाप से मिलते हो। उनको ही पुरुषार्थ करना है। बाप याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं, फिर साथ साथ यह भी कहते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी, देहाभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके तुम बाप को याद करते रहो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2009। तुम रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर
जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ करते हो। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 14th October 2009। शांति धाम तो सब जाएंगे, वहां जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वे कोई काम के न रहे। अब तुमको फिर से माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी बाप तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27th August 2009। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की सदैव शक्ति अपने में कायम रखना। माया भी बड़ी चतुर है, अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से तीसरे नेत्र से अपनी चेकिंग करनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5th December 1970। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन तुमको हारना नहीं है। माया से लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3rd April 2009। अविनाशी नशा है माया का, भी परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना, और आप बच्चों का क्या काम है? माया को दूर से भगाना। आने देती हो तो उसकी आदत पड़ जाती है आने की। अव्यक्तवाणी की डेट है 22nd February 2009। माया के प्रभाव में आकर यही सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बॉर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। कोई कोई बच्चे माया को पहचानने भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है या बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 22nd February 2009। माया आए और भगाओ, इसमें समय नहीं गवाओ, क्योंकि समय कम है और आपका वायदा है कि विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, उस कार्य को करने में समय लगाना है। बाप से जो शक्तियां मिली है उनके आधार पर माया को दूर से ही भगाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 22nd February 2009। विशेष दो खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से दो खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। नॉलेज फुल हो या नॉलेज फुल हो, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है। नॉलेज फुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। अव्यक्तवाणी की डेट है 22nd February 2009। यूं तो बाप समझते हैं कि यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं।
माया भुलाएगी जरूर, टाइम लगेगा, परंतु ऐसे नहीं समझो कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2009। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, यह बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत होती है तो कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध दिन रात चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ है। उनका हाथ छोड़ा तो यह मरा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 अक्टूबर 2008। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। विस्मृति है तब तो स्मृति में लाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्मृति विस्मृति की युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 दिसंबर 1994। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ प्रालब्ध और सुखद जीवन, सुखद मृत्यु एवं सुखद जन्म। पुरुषार्थ प्रालब्ध और मृत्यु पर विजय। पुरुषार्थ ही जीवन है और पुरुषार्थहीनता ही मृत्यु है। पुरुषार्थ अर्थात कर्म के बिना कोई इस सृष्टि पर रह नहीं सकता और बिना पुरुषार्थ के किसी को कोई प्रारब्ध भी नहीं मिल सकती है। इसलिए आत्मा पुरुषार्थ करती ही है, अर्थात पुरुषार्थ आत्मा स्वभाव है। वर्तमान हमारा पुरुषार्थी जीवन विशेष पुरुषार्थ का है, क्योंकि सारे कल्प जो पुरुषार्थ करते हैं वह उतरती कला का अर्थात उसकी गति सुख से दुख की तरफ होती है। अभी हमको परमात्मा मिला है और उसने सारा ज्ञान हमको दिया है, इसलिए अब हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह चलती कला का अर्थात उसकी गति दुख से सुख की तरफ होती है। अब प्रश्न उठता कि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थी जीवन सदा सुखमय हो, हमारा अंत अर्थात हमारी मृत्यु भी सुखमय हो और भविष्य जन्म भी सुखमय हो, उसके लिए हम क्या और कैसा पुरुषार्थ करें वह विचारणीय है। हमारा ये जीवन मृत्यु और जन्म सब सुखमय हो, उसका राज ज्ञान सागर परमात्मा ही आकर बताते हैं, जो उन्होंने अभी हमको बताया है। उस आत्मा उस राज को जानकर उस अनुसार पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन मृत्यु और जन्म सब निश्चित ही सुखमय हो जाता है। परमात्मा ने अभी जो इस विश्व नाटक का रहस्य उद्घाटन किया है उस अनुसार आत्मा अविनाशी है। मृत्यु और जन्म इस विश्व नाटक में भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए वस्त्र बदलना है, जिसके बिना यथार्थ पार्ट चल नहीं सकता। जो इस राज को समझ लेता है और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर
इस विश्व नाटक को देखता है, उसमें पार्ट बजाता है, उसके लिए मृत्यु भय और मृत्यु दुख की बात खत्म हो जाती है और उसका ये जीवन परम सुखमय हो जाता है। साथ ही वह सुखमय मृत्यु को प्राप्त करता है और उसको अपना भविष्य भी निश्चित ही सुखमय दिखाई देता है, इसलिए वह निश्चिंत और निर्भय रहता है। परंतु विडम्बना ये है कि आत्मा पर अनेक जन्मों के पापों का बोझा है, देहाभिमान की जंग चढ़ी हुई है, इसलिए इसे समझना और इसमें स्थित होना कठिन होता है। बाबा ने अभी ये राज समझाया है और उसके लिए अभीष्ट पुरुषार्थ का भी ज्ञान दिया है। जो आत्मा उस अनुसार पुरुषार्थ करती है, वह इस भय और दुख से मुक्त हो जाती है। पुरुषार्थ की सफलता अवश्य होती है, इसलिए कभी पुरुषार्थहीन नहीं होना है। हिम्मतवान को परमात्मा की मदद भी अवश्य मिलती है। संक्षेप में कहें तो सुखमय जीवन का आधार है कि इस ईश्वरीय जीवन प्राप्तियां अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों को अनुभवों को बुद्धि में जागृत रखना, परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा और दैवीय परिवार के साज के अनुभवों को जीवन में जागृत रखना। ऐसे ही सुखमय मृत्यु का आधार है देह और देह की दुनिया को भूलने का सफल अभ्यास, परमात्मा की याद से और सहन शक्ति को धारण कर कर्म भोग के रूप में आए विकर्मों का संचित खाते को खुशी से खत्म करना। सुखद जन्म के लिए आवश्यक है श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य के लिए श्रेष्ठ प्रलब्ध का खाता जमा करना। जिस आत्मा ने तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करके श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा किया हुआ है, उसका ही भविष्य जन्म सुखमय होगा। उसका आभास आत्मा को इस वर्तमान देह का त्याग करते समय अर्थात मृत्यु के समय भी होता है। सुखमय जीवन मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होना भी प्रारब्ध है। जो आत्मा को अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है, जिस पुरुषार्थ के लिए ज्ञान संगम युग पर परमात्मा देते हैं, मृत्यु के रास को समझने का भी पुरुषार्थ है और उस रास की धारणा करने का भी पुरुषार्थ है। जो इस रास को समझकर उसकी धारणा करता है, वही मृत्यु भय से मुक्त होकर अमरत्व का अनुभव करता है और अंत में मृत्यु दुख से मुक्त हो जाता है। इसके लिए ही गायन है कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बल पर ही मृत्यु को जीता है। मृत्यु दुख का कारण अज्ञानता जनित देहाभिमान है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने वाले के लिए मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब चीज ही नहीं तो दुख किस बात का। सार रूप में देखे तो सुखद जीवन मृत्यु भय से मुक्त होकर सुखद मृत्यु और सुखद जीवन का पुरुषार्थ है। एक तो विश्व नाटक की वास्तविकता को समझकर देह सहित देह के सर्व संबंधों से नष्टो मोहा हो जाना, और दूसरा अपने को देह से न्यारी आत्मा समझकर देखने चलने और व्यवहार में आने का सफल अभ्यास करना। जीते जी मरना है।
बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और स्मृति में रखो कि अब हमको वापस घर जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है और देह और इस दुनिया को भूल जाना है। मैं इस शरीर से अलग हूँ, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। साकार मूली की रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 2009। बाबा ने यह भी समझाया है कि जितने धर्म हैं उतने ही वैरायटी फीचर्स हैं। फिर जब चक्र रिपीट होता है तब हर जन्म में फीचर्स, नाम रूप आदि सब बदल जाते हैं। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिकरात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, सबको एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अक्टूबर 2009। ब्रह्म ज्ञानियों के भी ब्रह्म की याद में रहते रहते श्वास सुखाते हो जाते हैं। ब्रह्म की याद में आपे ही शरीर छोड़ दे, यह हो सकता है, परंतु ब्रह्म में कोई जाता नहीं है। तुमको भी पुरुषार्थ करना है कि बाप की याद में शरीर छोड़े तो अंतमति सुगति हो जाएगी। साकार मूली की रिवाइज डेट है 12 अक्टूबर 2009। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। यह आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ? सर्व संबंध किससे हैं? सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं? संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन, इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ। यह शरीर मंदिर है, इस मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। ओम शांति।